नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों कल बाजार 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद ओपन होने वाला है और कल बाजार के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिसपे बाजार रिएक्शन देगा। एक एक करके सारे समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं अमेरिका के बाजार का हाल, क्योंकि हमारे मार्केट्स बंद है आज लेबर डे पे, लेकिन अमेरिका के मार्केट्स खुले हुए हैं। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 118 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है इस समय अमेरिका के बाजार में आपको डाउ जोन्स। एंड वही नैस्डैक इंडेक्स की बात करें तो नैस्डैक इंडेक्स भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि कोई मूव नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि आजकल हम अमेरिका के बाजार को चला रहे हैं। अमेरिका के बाजार हमेशा हमारे मार्केट्स के समय में नेगेटिव होते हैं, डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर, लेकिन हमारी तेजी को धीरे धीरे देखते देखते वो पहले फ्लैट होते हैं, फिर कहीं ना कहीं हरियाली में आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करूं मैं तो डाउ जोन्स या फिर नैस्डैक इंडेक्स से तो कोई बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं, तो हम आते हैं पूरे अपने बाजार पे। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि आज आए हैं भारत के जीएसटी के डाटा। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो वो रिकॉर्ड एवर आता हुआ दिखा है, हाईएस्ट एवर मीन्स की अगर जीएसटी की बात करें तो 1.87 लाख करोड़ पे जीएसटी कलेक्शन आया है अप्रैल मंथ में, और ये कंटिन्यू हायर एंड हायर आता जा रहा है हर महीने। फरवरी मंथ में आपके लिए हल्का सा गिर गया था, जिसके पीछे का रीजन मुझे जो पर्टिकुलरली लगा वो ये लगा, भैया फरवरी में होते हैं 28 दिन, बाकी महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, तो वो 2 से 3 दिन का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कम हुआ था, ज्यादा नहीं 2 लाख करोड़ के समथिंग का कम हुआ था, सॉरी 2000 करोड़ के समथिंग का कम हुआ था, ज्यादा कम नहीं हुआ था। तो वो मुझे लगता है जीएसटी कलेक्शन कहीं ना कहीं एडजस्टेबल था, वो दिन के हिसाब से प्रॉब्लम आते हुए दिखी थी, वरना हमारे कंटिन्यू हर एक महीने जीएसटी कलेक्शन हायर एंड पे आते हुए दिख रही है। अब क्या ये जीएसटी कलेक्शंस के दम पर बाजार उछलेगा? देखिए उछले ना उछले, गिरने वाला तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पहले तो आपने फ्राइडे के सेशन में देखा एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के पार दिख रहा है, आज भी अच्छा कारोबार हो रहा है अमेरिका के बाजार में अभी तक, तो यहां से भी पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं। तो ये तो हो गया ब्रॉडर बेस ऐसा डाटा जो कि मे बी रिएक्ट करे इन पे बाजार और मे बी रिएक्शन ना दे, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं उस डाटा के ऊपर जिसके ऊपर रिएक्शन आना ही आना है। तो देखिए 3 दिन में बाजार में बड़े बड़े नंबर आए हैं। सबसे बड़े नंबर मेरे हिसाब से निफ्टी से अल्ट्राटेक के आए हैं, बाकी तो कोई बड़े नंबर नहीं आए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के जो नंबर्स थे वो मिस करते हुए दिखे एस्टीमेट को, तो यहां मुझे नेगेटिव नंबर्स दिखे हैं। वहीं अच्छे मार्केट अच्छे नंबर्स की बात करें तो पेपर स्टॉक्स, 2 पेपर स्टॉक्स के नंबर आए, एक शेषशाही पेपर एक क्वांटम पेपर, दोनों के बहुत ही तगड़े नंबर्स दिखे थे। पर्टिकुलरली बात करूं तो बहुत सारे नंबर्स आए थे, लिटरली मुझे अभी याद भी नहीं है किसके अच्छे किसके नहीं है, बट हाँ नंबर्स बहुत दिख रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया के जस्ट अभी नंबर आते हुए दिखे हैं, 4.35 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, एबिटा मार्जिन घटते हुए दिखे हैं, कामकाजी मुनाफा घटता हुआ दिखा है साल दर साल। प्रॉफिट की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, यानी प्रॉफिट बढ़ा है बाकी सब घटा है, ये समथिंग इंटरेस्टिंग। 5 पैसा के नंबर आते हुए दिखे हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस ईयर ऑन ईयर बेस पे तो शानदार 4.4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ का हो गया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो लगभग 11 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़, तो 5 पैसा के नंबर तंगड़े दिख रहे हैं मुझे। जीएनए एक्सेल्स के नंबर भी आए हैं, 6 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ते हुए दिखे 13.17% से बढ़कर 15.45% पे, कामकाजी मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ पे आए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है प्रॉफिट में, 35 करोड़ के सामने 34 करोड़ के हैं। तो ये नंबर्स हैं कुछ आते हुए दिखे, बहुत सारे नंबर्स आए तो इन नंबर्स पे रिएक्शन आएगा। प्लस अदानी ग्रुप पर्टिकुलरली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, जो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी है एडिशनल टाइम फ्रेम की। देखिए सेबी को 2 महीने का समय था जांच करने के लिए एंड फाइंड आउट करने के लिए कि क्या लिटरली कोई ये जो एलिगेशन लगे हैं कुछ इसमें आपको सस्पिशियस दिखता है, तो सेबी कह रहा है कि भैया हमें 6 महीने और चाहिए, अभी लग तो 15 महीने सकते हैं बट हम 6 महीने में कोशिश करेंगे कर देंगे। तो ये एक और यहां से खबर आते हुए दिख रही है, क्या ये 6 महीने और बाजार को नेगेटिव लगेंगे या फिर पॉजिटिव लगेंगे या कुछ भी नहीं लगेगा? देखो मैं तो कह रहा हूं कुछ भी ना लगे, अगर कुछ भी नहीं लगेगा तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन चल रहा है और पॉजिटिव चार्ट पैटर्न चल रहे हैं। नेगेटिव रिएक्शन लग गया तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, मुझे 2-3 स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है, मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं, जिसमें सबसे पहला नाम तो अदानी पावर का आता है। नेगेटिव रिएक्शन आया तो फिर टेक्निकल बेसिस पे दोबारा रिव्यू कर लेंगे, कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है वो ब्रेक होते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं इनमें एग्जिट भी लेंगे पोजीशन को। बात करें और स्टॉक्स की तो कल किन किन के नंबर्स आने हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स पे
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स बहुत तंगड़े आते हुए दिखे हैं मुझे, मतलब मजा ही आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक के निफ्टी से बहुत तंगड़े नंबर आए हैं, तो ये कुछ नंबर है जो कल मुझे लगता है काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देने चाहिए। अब बात करें और कल कौन कौन से नंबर आएंगे, देखिए आज अदानी ग्रीन और एनडीटीवी के भी नंबर आते हुए दिखे हैं। एनडीटीवी के नंबर तो मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, बट अदानी ग्रीन के मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो भी जैसे आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मे बी बीएससी पे अपलोड हुए, मैंने चेक नहीं कराया तो मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूं। कल किस किस के नंबर आने हैं, तो टाटा स्टील निफ्टी से बड़ा नाम सामने आ रहा है जो अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगा, गिग्निटी टेक्नोलॉजी अपने नंबर पेश करेगा, मिड कैप से सस्कैन टेक्नोलॉजीज अपने नंबर पेश करेगा। देखिए मिड कैप से सारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, सास्कैन के नंबर देखने वाली होगी, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज नंबर पेश करेगा, इसको उस बीएमडब्ल्यू से कंपेयर मत करना, मोलटेक टेक्नोलॉजी नंबर पेश करेगा, इस स्टॉक पे रडार रखना, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। स्पंदना स्फूर्ति को ध्यान देना, जैसे कि स्मॉल लेंडर्स कहीं ना कहीं बढ़िया कर रहे हैं तो स्पंदना स्फूर्ति बढ़िया कर सकता है, ऑलरेडी स्टॉक में रन देखा हमने। यूको बैंक देखिए पीएसयू बैंकिंग से नंबर अच्छा है तो यूको बैंक के कल नंबर आने हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर आने हैं, यहाँ लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं कैसे नहीं आते। ट्रांजेक्स इंडिया के नंबर है, छोटा स्टॉक है छोड़ देते हैं इसको। एस्टेक लाइफ साइंसेस के नंबर आने हैं, वरुण बेवरेजेस के नंबर आने हैं, इंपॉर्टेंट होगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर हमारा एक स्टॉक जो 330 पे हमने पिक करा था 440-460 पे सेल कर दिया, आज 500 पे आ गया और इसके नंबर आने हैं कल के सेशन में, लेट्स सी कैसे नंबर पेश करता है। फिनो पेमेंट्स बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये कुछ नंबर आते हुए दिखेंगे आपको। और बात करें बड़े नंबर्स की तो बिरला केबल के नंबर, अंबुजा सीमेंट के नंबर आएंगे, अदानी ग्रुप से अदानी टोटल गैस के भी नंबर आएंगे, कंट्रोल प्रिंट के नंबर आते हुए दिखेंगे और केईआई इंडस्ट्रीज के नंबर आएंगे। देखिए ये सेक्टर बहुत परफॉर्म कर चुका है, केईआई पॉलीकैब हो गया, केईआई हो गया, यानी वायर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मुझे लगता है यहाँ मे बी लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा, ये पूरे सेक्टर को हमें जज करने में मदद करेगा। जिंदल होटल्स के भी नंबर कल के सेशन में आते हुए दिखेंगे, प्लस कल है सेकंड में ही फेड की मीटिंग कल से स्टार्ट होनी है, बाकी रिजल्ट आपके सामने परसों के सेशन में आएगा, उसके बाद फोर्थ में को ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी रेट हाइक आते हुए दिखेंगे आपको। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं कल के सेशन में जिसपे बाजार रिएक्शन देगा, नंबर्स आने हैं प्लस ईसीबी बैंक और प्लस आपके लिए फेड की मीटिंग भी है, लेट्स सी बाजार कैसे ट्रेड करता है, बट मैं सुपर पॉजिटिव बैठा हूं मार्केट्स पे एंड स्टॉक्स दिन के दौरान मैं आपके साथ स्टॉक्स भी शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।